आज पूर्णिमा के उत्सव निमित्त साधक को पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए और वह व्रत तब तक बना रहे जब तक उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ठीक से स्नेहमय पूजा संपन्न नहीं होती। षोडशो उपचार से पूजा करना बाह्य पूजा से कई गुना ज्यादा फल माना गया है और सामान्य पूजा की अपेक्षा षोडशो उपचार की पूजा का महत्व ज्यादा है और षोडशो उपचार विधि विधान से पूजा की अपेक्षा मानस पूजा का प्रभाव और अधिक माना गया है। तो पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का एक दिन पहले ही रात्रि को सोते समय ये संकल्प करें कि कल सुबह गुरु पूर्णिमा का तिथि त्यौहार है। गुरुओं के हृदय में गुरुत्व के रूप से छलकने वाले परमात्मा व्यास जी के हृदय से ऐसे सतशास्त्र बनवाए कि मानवता को अपने सच्चिदानंद स्वभाव में रंगने का सुंदर प्रकाश मिला है और जिस पूनम को देवताओं ने वरदान देकर विशेष महत्वपूर्ण बनाई वो कल गुरु पूर्णिमा है। कल सुबह हम नींद में से उठते ही गुरु ने दिए हुए ज्ञान और गुरु ने दिए हुए उस गुरु स्वरूप परमात्मा का हम चिंतन करेंगे, परमेश्वर को मानसिक पूजा से पूजित करेंगे। परमेश्वर तत्व जिनमें प्राप्त प्रकटा है उन सतगुरुओं को तो देखा भी है, मन ही मन उनका मानसिक पूजन करेंगे। पूनम के सुबह को उठे और मन ही मन गुरु गोविंद का मानसिक पूजन किया, फिर नहा धोकर विधिवत थोड़ा बहुत धूप बत्ती करके प्राणायाम आदि करके गुरु गीता का पाठ करके फिर मानसिक पूजन षोडशो उपचार से भी कर सकते हैं, धूप बत्ती से कर सकते हैं बाह्य और फिर अंदर से मानसिक पूजन कर लिया। पूजन तब तक बार बार करते रहें जब तक आपका पूजन गुरु तक नहीं पहुंचा, आपका पूजन परमात्मा तक नहीं पहुंचा तब तक आप मानस पूजन करते ही रहे और पूजन पहुंचने का एहसास होगा। अष्ट सात्विक भावों में से कोई न कोई भाव भगवत कृपा गुरु कृपा से आपके हृदय में प्रकट होगा और जब कोई भाव प्रकट हो जाए अष्ट भावों में से समझ लेना अब उपवास हमारा सफल गया। चाहे वो पूजा 10 बजे तक चले, ना धोने के बाद आप कमरे में बैठे 10 बजे तक चले के 9 बजे चले, 8 बजे तक चले के 18 बजे तक चले, 18 कब बजते, शाम के 6 को आप इस प्रकार का दृढ़ व्रति बनकर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव व्यवहारिक रूप से तो अभी मना रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी इसका अनंत गुना फायदा उस दिन आपको लेने की मैं सलाह देता हूं और आपको विशेष लाभ होगा। जो चराचर का सामर्थ्य स्थान है, जो विश्व का शासक है, जो सभी याचकों को सब कुछ देने में समर्थ है, चाहे तांत्रिक याचक हो चाहे साबरी मंत्र से याचक हो, चाहे वैदिक मंत्रों का याचक हो, चाहे देवलोक का याचक हो, चाहे गंधर्व या किन्नर लोक का याचक हो, सभी याचकों की पूजा को स्वीकार करके मनोवांछित देने वाले सत्य स्वरूप सच्चिदानंद का स्वाभाविक ध्वनि ओमकार।
जिसमें सभी की इच्छाएं पूरी करने का सामर्थ्य है और सारे क्रियाशील पदार्थों, क्रियाशील जीव जंतुओं और क्रियाशील व्यक्तियों में क्रिया का सामर्थ्य देते हुए भी जिसके सामर्थ्य में तनिक भी कमी नहीं होती, ऐसे पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमिदच्यते परमात्मा की हम उपासना करते हैं। जो इच्छित वांछित देते हुए भी स्वयं इच्छा रहित है, स्वयं वांछा रहित है, ऐसे परमेश्वर का हम सुमरण करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने हृदय में विशेष उनका प्रागट्य चाहते हैं, आवाहन चाहते हैं, उसका प्रकाश और प्रेरणा चाहते हैं। इस प्रकार आप पूजा करके उस सर्वेश्वर को प्रार्थना करना, शब्द चाहे वही के वही ना हो लेकिन भाव आपका वो जानता है। जो व्याप्ति अप्रतीत इंद्रियातीत शुद्ध अंतःकरण में प्रकाशित होता है, जो हिंसा करने में समर्थ है, हिंसा करने में समर्थ है जो परमेश्वर, उसे आप प्रार्थना करिए कि हमारे दिल में भी हिंसा करिए, हमारे काम क्रोध लोभ मोह शोक और अज्ञान को आप स्वाहा करिए। हे अज्ञान और विकारों के नाशक, तुम्हें नमस्कार। हे संस्कारों और शुद्ध भाव के पोषक, तुम्हें प्रणाम है। हे प्रलय कर्ता और प्रलय रहित, तुझे प्रणाम है। हे वृद्धि कर्ता सृष्टि कर्ता सृष्टि हर्ता भर्ता भोक्ता, तुम्हें प्रणाम है। हे सूक्ष्म प्रकृति, हे स्थूल प्रकृति, हे कारण प्रकृति के अधिष्ठान आधार, स्थूल सूक्ष्म और कारण से रहित और उनमें व्याप रहे सर्वेश्वर, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हम में हमारापन न रहे, हम में हमारापन बोलने का, जहाँ से सत्ता स्फूर्ति लेता है मन, वो मन तुम्हारे में एकाकार हो, इसलिए हमारा तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमेश्वर को अपनी टूटी फूटी भावनाओं, टूटी फूटी भाषा से, जैसे बच्चा टूटी फूटी बोली में बोलता है तो माँ बाप उसके ग्रामर का ख्याल नहीं रखते लेकिन उस पर वात्सल्य बरसाते, ऐसे ही वात्सल्य बरसाने वाले गुरुवर और भगवान, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार आप प्रार्थना उपासना और पूजा फिर से करते ही रहें, क्योंकि वो गुरु पूनम का दिन है और दिनों की अपेक्षा पूर्णिमा के दिन प्राकृतिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रत्यक्ष है। सूर्य के चंदा के सीधे किरण उस दिन अधिक पड़ते हैं, खारे विशाल समुद्र में भी भरती आती है विशेष। द्रवित वस्तु द्रवीभूत होती है, जलीय विभाग वाली वस्तु में द्रवीभूत होने की विशेषता होती है। तो आपके सप्त धातुओं में भी उस दिन विशेष द्रवित्ता होती है। अगर इन दिनों में काम विकार भोगेंगे या इन दिनों में कुछ संसारी भोग भोगेंगे तो हानि ज्यादा होगी, और इन दिनों में उपासना और व्रत करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। और ये पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में 11 में 12वीं ये पूर्णिमा विशेष महत्व कर है, इसलिए आपकी ये 3 दिन की पूर्णिमा की यात्रा को ईश्वर ने स्वीकारा है, इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसा बोलने को प्रेरित किया है। अब आप और ईश्वर
तो मैं अलग उनसे कैसे रह सकता हूँ? आप और ईश्वर तो मैं बीच में तीसरा होता हूँ क्या? नहीं, आप में, ईश्वर में और मुझ में जो है उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। मंत्र विज्ञान का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। अभी तो यंत्र विज्ञान के युग में जीते हैं, स्थूल आँखों से दिखे उसी को हम प्रमाण मानते हैं, लेकिन स्वप्न स्थूल आँखों से नहीं दिखता है। गहरी नींद का अनुभव स्थूल आँखों से नहीं दिखता। किसी आदमी को उसके हृदय को, उसके फेफड़े को जरा जरा करके टेबल पे विज्ञानी रख दे तो वो स्थूल आँखों से नहीं देख सकते कि इस आदमी ने स्नेह भी किया होगा, चिंतन भी किया होगा, कहाँ था उसका चिंतन, क्या है उसका स्नेह, सब स्थूल से नहीं दिखता। सूक्ष्म से भी सब नहीं दिखता, कारण से भी सब नहीं दिखता, लेकिन जो सब में है उससे सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आता है।